We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, my name is Hardik Patel and I am in Swaminarayan College of Engineering Technology Diploma in Mechanical Lecture. Today we will PERT system. के बारे में पढ़ाई करेंगे। पॉड सिस्टम है क्या, क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे चलता है, क्या फॉर्मूला है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज पॉड? पॉड का फुल नेम है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये मेथड है हमको फाइंड आउट करने के लिए कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जो हमको दिया गया है उसको हम लोग कितनी मिनिमम टाइम में, कितने टाइम में हम लोग खत्म कर पाएंगे, कैसे खत्म करेगा, उसका क्रिटिकल पाथ क्या है। जैसे हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर हम जो हमारा टाइम दिया हुआ होता है हर एक एक्टिविटी या हर एक इवेंट का जो टाइम दिया होता है उसके ऊपर से हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग इतना टाइम कर पाएंगे। ये जो पार्ट सिस्टम है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोग जो छोटे प्रोजेक्ट है जो सिविल वर्क का है वो हम CPM से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको PERT सिस्टम का यूज करना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, क्या उसका टाइमिंग रहेगा, हम लोग किस वे से जाएंगे तो उससे कम से कम टाइम में खत्म कर पाएंगे, वो सब हम PERT में पढ़ सकते हैं। PERT के अंदर तीन टाइमिंग होती है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट कितनी मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर खत्म कर पा रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल टाइम है उसके भी कम, उससे भी कम हम कितने टाइम में खत्म कर पा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। बराबर। पेसिमिस्टिक टाइम क्या है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है हम लोग कोई भी एक्टिविटी, अगर कोई भी काम हमारा गलत गया, अगर मान रॉन्ग वे के अंदर चला गया यार, किसी को पता नहीं है कि काम ऐसे करना था या नहीं करना था और रॉन्ग वे में चला गया और उसको ठीक करने के बाद हमको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेसिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या है कि जो टाइम हम बेस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल वे के अंदर जाएगी या नॉर्मल वे के अंदर खत्म हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट लाइकली टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर हम लोग जो भी नॉर्मल टाइम चल रहा था अपना, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे था उसके अंदर हम लोग खत्म कर रहे थे कोई भी पाथ या एक्टिविटी, उसको हम लोग अगर रिपीटेटिव टाइम के अंदर कर रहे हैं, हम रिपीटेटिव उसको वर्क कर रहे हैं और वो उसको मिला के, सब मिला के, रिपीटेटिव वर्क मिला के हम लोग को जो बेस्ट टाइम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो PERT सिस्टम है वो 3 टाइम एस्टिमेशन सिस्टम है, जहाँ CPM था अपना वो सिर्फ सिंगल टाइम एस्टिमेशन था, उसके अंदर हम लोगों का एक्टिविटी और इवेंट दिया हुआ था उसका एक ही टाइमिंग दिया हुआ था, उसके ऊपर से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि हमको कौन सा सबसे क्रिटिकल पाथ है और कौन सा वाला सबसे छोटा वाला पाथ है। इसके बाद हम PERT का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो पढ़ेंगे। PERT का मेजर एडवांटेज यही है कि हम लोग जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जो बहुत ही हार्ड है, जिसको अंदर बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं और जिसको हम लोगों को मैनेज करने में डिफिकल्टी आती है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग PERT का इस्तेमाल कर रहे हैं। PERT का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर जैसे कर रहे थे कि हमको क्रिटिकल पाथ जो डिफाइन कर रहे थे उसके बाद उसको विजिबल बना के उसके अंदर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड आउट करके हम लोग स्लैक और फ्लोट, जो हमारा टाइमिंग है तो कितना सबसे कम होता है या उसका जो भी चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक और फ्लोट। जो हमारा टाइमिंग है, जो हमारा मैक्सिमम टाइम है उससे कितने कम टाइम में हम लोग
कोई भी वे से वे के अंदर से हम लोग का टाइम प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैक और फ्लोट। इस वर्ड सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइम एस्टिमेशन ले रहे हैं, इसके लिए हमको बेटर जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल रही है हमको कि हम लोग ये टाइम में इतना खत्म कर पाएंगे या इतना ये प्रोजेक्ट हम इतने टाइम में खत्म कर पाएंगे। सीपीएम के अंदर हमारे पास खाली ना खाली सिंगल एस्टिमेशन था, इसके वजह से हम लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी कि हम लोग क्या जल्दी कौन सा और कौन सा बाद में खत्म कर रहे थे। इसका मेजर एडवांटेज यही है कि हम लोग जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज देखे तो उसका डिसएडवांटेज यही है कि ये जब स्मॉलर प्रोजेक्ट पे आएगा तो उतना बेटरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको बनाया है गया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट इस्तेमाल करने के लिए तो हमारे पास सीपीएम मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है, इवेंट होती है, इसको हम लोगों को अलग से ड्रॉ करना पड़ता है, अलग से कोई कलर स्पेसिफाइड करना पड़ता है, और वर्ड सिस्टम के अंदर हमारे पास इतनी सारी एक्टिविटी है कि हम लोगों को इतने ज्यादा कलर या स्पेसिफिकेशन यूज करने पड़ रहे हैं। इसके लिए वजह से हमको इतनी सारी डिफिकल्टी आएंगी कि हम लोगों को फाइंड आउट करने में देर लगेगी कि ये कौन सा वाला था, ये कौन सा वाला, इसको राइट डाउन करना पड़ेगा कि ये वाला हमने इसके लिए ड्रॉ किया था, ये वाला इसके लिए ड्रॉ किया था। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटी चलती रहती है और एक दूसरे के डिपेंडेंसी पे होती है, हर कोई इंडिविजुअल होती है, कोई डिपेंडेंसी होती है, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्किल्ड पर्सन है इसके अंदर वही इसको संभाल पाएगा, नहीं तो इसको संभालने में मुश्किल आएगी। हम लोग अभी देखते हैं कि सीपीएम और पर्ट दो सिस्टम हमारे पास है, उसका कंपैरिजन क्या है, इसकी कौन सी वाली अच्छी किसके लिए और कौन सी वाली किसके लिए। जो सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मेथड, उसको ड्यू पॉइंट कंपनी अमेरिकन कंपनी ने 1957 के अंदर उसको डेवलप किया था, और वैसे ही सामने पर्ट सिस्टम को इंडियन यूएस स्पेशल फोर्स प्रोजेक्ट ऑफिस के ऑफिस ने 1957 के अंदर यूएस नेवी के पोलर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए इसको डेवलप किया था। जैसे हम लोगों ने मैंने आगे बताया कि जो सीपीएम है वो सिंगल टाइम एस्टिमेशन है और जो पर्ट है वो थ्री टाइम एस्टिमेशन है। सीपीएम के क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर हम लोग सिंगल टाइम जो हमको दिया हुआ होता है, ये टाइम के अंदर ये एक्टिविटी खत्म हो रही है, इस वे से जाओ या उस वे से जाओ, दोनों वे से एक वे के अंदर से हम लोग कैसे खत्म हो रहा है वो दिखाया था। लेकिन जैसे हम लोगों ने पट देखा तो पट के अंदर तीन टाइम थे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम। तीनों टाइम कंसिडर करने के बाद ही हम लोग पट सिस्टम के अंदर प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक सिस्टम के अंदर हम लोग डेवलप कर पाएंगे कि कौन सा भी हमारे लिए बेस्ट है। जैसे सीपीएम ने मैंने बोला कि सीपीएम है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है, मतलब कि जो एक्टिविटी जैसे चल रही है इसका जो टाइमिंग है उसके बेस्ड वो सीपीएम चल रहा है, उसके बेस पे हम लोग गिन रहे कि ये ए से शुरू हुआ, बी सी और डी के अंदर दो तीन चार घंटे लगे थे टोटल मिला के, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसका क्रिटिकल पाथ मेथड यही है और इसके इससे कम वाला मेथड ये है। और सामने पार्ट है जो हर इवेंट, जो इवेंट स्टार्ट हो रही है, खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है, खत्म हो रही है, उस सब के तीन तीन टाइम एस्टिमेशन ले रहे हैं हम लोग, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम, और उसके अंदर से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि पॉड सिस्टम कैसे वर्क करेगा या कौन सा वाला बेस्ट वे होगा जैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मेथड वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, मतलब वो निश्चित मॉडल है कि यही टाइम पे यही चीज खत्म होने वाली है, वो सब फिक्स्ड है, जैसे पॉड के अंदर वो सब फिक्स्ड है नहीं। जो पॉड है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, मतलब कि उसके वो जो कोई निश्चित काम नहीं है, कोई डिफाइंड प्रोजेक्ट मॉडल नहीं है, उसको हम लोग एक्सपेक्टेडली बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इतने टाइम में ये खत्म होगा, इतने टाइम में ये खत्म होगा। अगर हम लोगों को बीच में कोई भी जो खराबी आई तो हम लोग उसको प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा या उसका टाइम बढ़ जाएगा, तो हमारे प्रॉपर टाइम के अंदर वो खत्म होगा नहीं, बराबर। ओके, सीपीएम के अंदर रीजनेबल टाइम एस्टिमेशन है और पर्ट के टाइम हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेशन है। हम लोग पर्ट के अंदर तीन टाइम एस्टिमेशन ले रहे हैं और जो तीनों टाइम का कंसिडर करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हो, और सीपीएम के अंदर सिर्फ एक ही टाइम हम लोग ले रहे हैं। इसके लिए जो सीपीएम है वो रिजनेबल टाइम एस्टिमेशन है और जो पर्ट है वो हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेशन है। ओके, हम लोग अभी फॉर्मूला देखेंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं पर्ट का
टाइम एस्टिमेशन, जो टीई है वो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला है टीई इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4 TM प्लस टीपी बाय 6, जो जिसमें ओ है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, पी है वो पेसिमिस्टिक टाइम है, एम है वो मोस्ट लाइकली टाइम है। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके ऊपर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है, जो हम लोग रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को कैसे एक्सपेक्टेड टाइम मिलेगा, कैसे जो बेस्ट वे हमको मिलेगा वो इस फॉर्मूले के अंदर से हमको पता चलेगा। इसके आगे हमारे पास है, इसका एग्जाम्पल है एक हमारे पास, यहाँ पे आपको दो दिए हुए एक्टिविटी ए और बी, उसका हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। इसके अंदर एक ए में हमको दिया हुआ है 6, 10 और 14 डेज। ये जो है पहले वाला है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, दूसरे वाला है मोस्ट लाइकली टाइम है, और तीसरे वाला है जो पेसिमिस्टिक टाइम है। वैसे ही हमको बी दिया हुआ है 2, 7 और 12। अब हम लोग ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर हम लोग पी ओ टी एम और टी पी सब इक्वेशन के अंदर रख देंगे, 6 + 4 × 10 + 14/6, तो हमको कितने दिन मिलेंगे, 10 डेज मिल रहे हैं हमको। और वैसे ही हमको बी के अंदर जो टी ओ टी एम और टी पी रख रहे हैं उसके अंदर 2 + 4 × 7 + 12/6, उसके अंदर हम लोग को 7 दिन मिल रहे हैं। जो अभी हमने सीखा है वो पूरा पार्ट सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म होगा, कैसे खत्म हो रहा है, कौन कौन सी चीजें लग रही है अंदर, उसको सब को डिफाइन करके हम लोग टाइम निकाल रहे हैं ये हमारा प्रोजेक्ट इतने दिन में खत्म हो जाएगा। अगर वो कुछ रॉन्ग जाता है तो हम लोगों ने 3 टाइम बोले है, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो मिनिमम टाइम है, पेसिमिस्टिक टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है, और मोस्ट लाइकली टाइम है वो सब नॉर्मल टाइम है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है वो है सब रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये जो काम है वो हम लोग 1, 2, 3, 4, 10, 15, 16 हजार बार कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमको टाइम मिल रहा है वो हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम। अभी ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस।